नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। नई सुबह इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम की ब्यूटी टिप्स के साथ मैं हूं नादिया सबा। हम सब फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए बहुत से डिफरेंट मेथड्स इस्तेमाल करते हैं, जिनमें वैक्सिंग, थ्रेडिंग, एपिलेटिंग और इसके अलावा रेजर का इस्तेमाल भी किया जाता है। लेकिन इन तमाम तरीकों से वक्ती तौर पर फेशियल हेयर रिमूव तो हो जाते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में फिर दोबारा से ग्रो कर जाते हैं और इसीलिए इन मेथड्स को बार बार रिपीट करना पड़ता है। ये तमाम मेथड बहुत ज्यादा पेनफुल भी होते हैं और इसके अलावा स्किन पे किसी भी किस्म का रिएक्शन या इरिटेशन भी हो सकता है। और अगर आप इन तमाम तरीकों के अलावा कोई ऐसा तरीका तलाश कर रहे हैं जिसके जरिए ना सिर्फ आप अपने फेशियल हेयर को रिमूव कर सकें बल्कि वो तरीका पेनलेस भी हो और रिजल्ट्स भी परमानेंट हो, तो आज की शेयर की जाने वाली रेमेडी आप जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। इसके लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की हमें ज़रूरत है उनमें शामिल हैं टमाटर एक स्मॉल साइज, कोई भी वाइट टूथपेस्ट 1 टीस्पून और बेकिंग सोडा या मीठा सोडा 1 टीस्पून। ये रेमेडी इस्तेमाल करने से पहले फेस को अच्छी तरह क्लीन कर लें, टमाटर को हाफ कट कर लें और इसके ऊपर वाइट टूथपेस्ट और बेकिंग सोडा डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और इसके बाद चेहरे पर जिस जगह से आप बाल रिमूव करना चाहते हैं वहां पर इस टमाटर के स्लाइस को हल्के हाथों से रब करें। आपने हाथों की मूवमेंट सर्कुलर रखनी है और थोड़ा सा प्रेशर देते रहना है ताकि टमाटर का रस भी स्किन पर अप्लाई होता रहे। तकरीबन 5 मिनट आपने कॉन्स्टेंटली ये प्रोसेस करना है। तकरीबन 5 मिनट के लिए आप टमाटर को इसी तरह अपनी स्किन पर अप्लाई करें और याद रखें कि आपने पूरे फेस पर इकट्ठे अप्लाई नहीं करना बल्कि पहले एक स्मॉल पैच पर 5 मिनट के लिए टमाटर को सर्कुलर मूवमेंट में रब करते रहें। ये तरीका पेनलेस भी है और इसके अलावा आपको परमानेंट रिजल्ट्स भी मिलेंगे। आफ्टर 5 मिनट्स अपनी स्किन को पानी से वॉश कर लें। आप देखेंगे कि जिस पैच पर आपने रेमेडी को अप्लाई किया है वहां से बाल रिमूव हो चुके हैं और ये बाल दोबारा ग्रो भी नहीं करेंगे। इस रेमेडी से दी बेस्ट रिजल्ट्स अचीव करने के लिए आपको इन पॉइंट्स का ख्याल भी रखना है। रेमेडी को फेस पर स्मॉल पैचेस में अप्लाई करें। बालों को परमानेंटली रिमूव करने के लिए आप इस रेमेडी को हफ्ते में 3 से 4 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने स्किन पर स्मॉल पैचेस में इसका एप्लीकेशन करना है ताकि आपको दी बेस्ट रिजल्ट्स हासिल हो सके। अगर आपकी स्किन एक्स्ट्रा सेंसिटिव है तो आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करने से पहले इसका एक पैच टेस्ट जरूर कर लें। तो ये तो थी आज की रेमेडी। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगेबान। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के ज़राए इस्तेमाल कीजिए।